हार्दिक बधाई। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री संजय यादव को कोटा दक्षिण नगर निगम में सहवरित पार्षद मनोनीत होने पर हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल जी और कोटा जिला अध्यक्ष श्री रविन्द्र त्यागी जी का हार्दिक आभार। शुभेच्छु समस्त शहर जिला कांग्रेस कमेटी और समस्त कांग्रेस कार्यकर्तागण। चीन ने ऑनलाइन गेम्स को कहा ड्रग्स। तालिबान के हमलों से परेशान अफगानिस्तान। यूएनएससी अध्यक्ष ने दी भारत को चेतावनी। भारत में एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू। पाकिस्तान के पास नहीं है पैसा। अभी खत्म नहीं हुई दूसरी लहर। पीवी सिंधु को दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। अमित शाह से मिले शरद पवार। सस्ता हो रहा है कच्चा तेल। टीम इंडिया के लिए सबसे मुश्किल सीरीज। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। हार्दिक बधाई। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री संजय यादव को कोटा दक्षिण नगर निगम में सहवरित पार्षद मनोनीत होने पर हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल जी और कोटा जिला अध्यक्ष श्री रविन्द्र त्यागी जी का हार्दिक आभार। शुभेच्छु समस्त शहर जिला कांग्रेस कमेटी और समस्त कांग्रेस कार्यकर्तागण। चीन के एक सरकारी मीडिया आउटलेट ने ऑनलाइन गेमिंग की आलोचना करते हुए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक ड्रग्स बताया। इसके बाद चीन की दो बड़ी गेमिंग कंपनियों टेंसेंट और नेटीज के शेयरों में 10% की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह सरकार ने तकनीकी क्षेत्रों में कंपनियों के आड़े हाथों लिया है, उससे निवेशकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनी वतमार ने अपने देश में तालिबान की ओर से की जा रही हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं को रोकने के तौर तरीके पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आपात सत्र बैठक बुलाने की संभावना पर अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से मंगलवार को बातचीत की। अफगान विदेश मंत्रालय ने कहा कि अतमार ने युद्धग्रस्त देश में तालिबान और विदेशी आतंकवादी समूह के हमलों से तेजी से बिगड़ रही स्थिति के बारे में बातचीत की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का आह्वान किया। अतमार ने ट्वीट किया कि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के साथ अफगानिस्तान की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आपात सत्र बुलाने के बारे में चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के अगस्त महीने के लिए अध्यक्ष बने भारतीय राजदूत टी एस त्रिमूर्ति ने कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति सुरक्षा परिषद में अभी सदस्यों के लिए गहरी चिंता का विषय है। उन्हें चेतावनी दी है कि हम अफगानिस्तान में आतंकी शिविरों को फिर से पनपने नहीं दे सकेंगे और इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। वर्तमान में 2021-22 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भारत ने अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र की शक्तिशाली निकाय की अध्यक्षता संभाली है। जनवरी 1954 से होमी जहांगीर भाभा ने एटॉमिक एनर्जी की स्थापना की थी। डॉक्टर भाभा भारत में एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देना चाहते थे। एटॉमिक रिएक्टर की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट पर काम कर रहे देश भर के तमाम इंजीनियर और वैज्ञानिकों को इस सेंटर में काम करने के लिए बुलाया गया। 15 मार्च 1955 को भारत के पहले न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर को बनाने के लिए फैसला लिया गया। डॉक्टर भाभा इस पूरे प्रोग्राम के हेड थे। फैसला लिया गया कि ये रिएक्टर एक स्विमिंग पूल की तरह होगा। इसकी क्षमता 1 MW थर्मल होगी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC के परिसर में ही रिसर्च रिएक्टर के बनाने का काम शुरू हुआ। एक बड़ी समस्या रिएक्टर के लिए न्यूक्लियर फ्यूल की थी। इसके लिए ब्रिटेन से बात की गई। ब्रिटेन और भारत के बीच एक डील हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि रिएक्टर के लिए जरूरी यूरेनियम की आपूर्ति ब्रिटेन करेगा। देश भर के तमाम वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत कर केवल 15 महीनों में रिएक्टर का काम पूरा कर दिया। 1956 में आज ही के दिन इस रिएक्टर को शुरू किया गया। यह भारत के साथ ही पूरे एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। प्रधानमंत्री इमरान खान का सरकारी आवास किराए पर उपलब्ध है। जी हां, आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान इस्लामाबाद स्थित प्रधानमंत्री इमरान खान का सरकारी आवास आम लोगों को किराए पर देने का फैसला किया है। अब यहां कल्चरल फैशन और एक्चुअली लोग इस रेंट पर ले सकेंगे। इससे पहले अगस्त 2019 में सत्तारूढ़ तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार बनी थी तो प्रधानमंत्री इमरान खान ने सरकारी आवास पर यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था। इसके बाद इन्हें इसे खाली कर दिया था।
समा टीवी ने बताया कि सरकार ने अब यूनिवर्सिटी वाले प्रोजेक्ट से मुंह मोड़ लिया है और पीएम आवास किराए पर देने का फैसला किया है। देश में कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। दूसरी लहर के बाद केस में आई तेजी ने केंद्र और राज्य सरकारों की चिंताएं बढ़ाकर रख दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि देश भर में ऐसे 18 जिले हैं जहां पर कोरोना के नए मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इनमें से 10 जिले सिर्फ केरल के हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि इन 18 जिलों में कुल केस 47.5% मामले यहीं से हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे 44 जिले हैं जहां पर पॉजिटिविटी दर 10% से ऊपर है और ये जिले हैं केरल, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। हालांकि राहत की बात यह है कि देश के 222 जिलों में कोरोना केस में कमी देखने को मिल रही है। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का मंगलवार को स्वदेश वापस लौटने और जोरदार स्वागत किया गया। मौजूदा विश्व चैंपियन सिंधु ने 5 साल पहले रियो ओलंपिक में भी सिल्वर मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया था। टोक्यो से जब सिंधु दिल्ली की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पहुंची तो हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने ताली बजाकर इनका स्वागत किया। वह बाहर आई तो सुरक्षा कर्मियों से घिरी हुई थी और चेहरे पर मास्क लगाया था। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के महासचिव अजय सिंघानिया और भारत खेल प्राधिकरण के साई के प्राधिकारियों ने इस स्टार भारतीय शटलर को स्वागत किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की। उनके साथ नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड के प्रेसिडेंट जयप्रकाश डंडेगांवकर और प्रकाश नाइकनावेरे भी मौजूद थे। वह सभी शुगर कोऑपरेटिव सेक्टर में चुनौतियों को लेकर चर्चा करने आए थे। इस बैठक के बाद शरद पवार ने कहा कि अमित शाह के साथ व्यापक चर्चा हुई। दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन ने कोरोना पर अपने ढंग से काबू पा लिया था, लेकिन इन देशों में पिछले महीने खतरनाक डेल्टा वेरिएंट के कोरोना वायरस में मामले में तेजी से बढ़े हैं। इस कारण इकोनॉमी में एक तरफ से सुस्ती की स्थिति है, तभी कल सुबह बाजार खुलते ही WTI क्रूड 2.81% गिरकर $59.35 प्रति बैरल तक आ गया। इसी तरह ब्रेंट क्रूड में 2.21% कम होकर $71.25 तक गिर गया। भारत के पेट्रोल डीजल बाजार को देखें तो यहां बीते 17 दिनों से पेट्रोल डीजल स्थिर है। भारत का सरकारी तेल कंपनियों के आज भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई फेरबदल नहीं किया है। दिल्ली के बाजार में बुधवार को भी इंडियन ऑयल पर पंप पर पेट्रोल 101.84 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.87 रुपए प्रति लीटर पर टिका रहा। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। पहला टेस्ट ब्रिज में दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। काफी समय से दोनों ही टीमों के इस मुकाबले का इंतजार था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के हारने के बाद टीम इंडिया टेस्ट फॉर्मेट के जीत की राह पर लौटना चाहती है। हालांकि ये सीरीज भारत के लिए आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि टीम में पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा हार इंग्लैंड की धरती पर ही मिली है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड पर इस दौरान 15 टेस्ट खेले, इनमें से 12 में भारत और हार का सामना करना पड़ा और वह सिर्फ 2 मैच ही जीत सकी। इंग्लैंड की टीम के लिए घरेलू परिस्थितियां रहेंगी, लिहाजा इसका फायदा भी मिलेगा।